कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तू भयभीत मत हो, क्योंकि तू जिन्हें सामने खड़े देख रहा है वे बहुत बार रहे हैं पहले भी, तू भी था, मैं भी था, हम सब बहुत बार थे और हम सब बहुत बार होंगे। जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता, इसलिए न मरने का डर है न मारने का डर है। सवाल है जीवन को जीने का, और जो मरने और मारने दोनों से डरते हैं वे जीवन की दृष्टि में एकदम नपुंसक और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो न मर सकता है न मार सकता है वो जानता ही नहीं कि जो है वो न मारा जा सकता है न मर सकता है। कैसी होगी वो दुनिया जिस दिन सारा जगत जानेगा भीतर से कि आत्मा अमर है, उस दिन मृत्यु का सारा भय विलीन हो जाएगा, उस दिन मरने का भय भी विलीन हो जाएगा, मारने की धमकी भी विलीन हो जाएगी। उस दिन युद्ध विलीन होंगे उसके पहले नहीं, जब तक आदमी को लगता है कि मारा जा सकता है मर सकता हूं तब तक दुनिया से युद्ध विलीन नहीं हो सकते। चाहे गांधी समझाएं अहिंसा, और चाहे बुद्ध और चाहे महावीर, चाहे सारी दुनिया में अहिंसा के कितने ही पाठ पढ़ाए जाएं, जब तक मनुष्य को भीतर से यह अनुभव नहीं पैदा हो सकता कि जो है वो अमृत है, तब तक दुनिया में युद्ध बंद नहीं हो सकते। और जिनके हाथों में तलवारें दिखती हैं ये मत समझ लेना कि वो बहुत बहादुर लोग हैं, तलवार सबूत है कि यह आदमी भीतर से डरपोक है, कायर है, कावड़ है। चौरस्तों पर जिनकी मूर्तियां बनाते हो तलवारें हाथ में लेके, वो कायरों की मूर्तियां हैं, बहादुर के हाथ में तलवार की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मरना और मारना दोनों बच्चों की बातें। लेकिन एक अद्भुत प्रवंचना आदमी पैदा करता है, जिन बातों को वो नहीं जानता है उन बातों को भी इस भांति कोशिश करता है कि जैसे हम जानते हैं। भय के कारण भीतर है भय, भीतर वो जानता है कि मरना पड़ेगा, लोग रोज मर रहे हैं, भीतर वो देखता है कि शरीर क्षीण हो रहा है, जवानी गई बुढ़ापा आ रहा है, देखता है कि शरीर जा रहा है, और भीतर दोहरा रहा है कि आत्मा अजर अमर है। वो अपना विश्वास जुटाने की कोशिश कर रहा है, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है कि मत घबराओ मत घबराओ, मौत तो है लेकिन नहीं नहीं ऋषि मुनि कहते हैं कि आत्मा अमर है। मौत से डरने वाले लोग ऐसे ऋषि मुनियों के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और भीड़ कर लेते हैं जो आत्मा की अमरता की बातें करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मा अमर नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आत्मा का अमरता का सिद्धांत मौत से डरने वाले लोगों का सिद्धांत है। आत्मा की अमरता को जानना बिल्कुल दूसरी बात है, और ये भी ध्यान रहे कि आत्मा की अमरता को वे ही जान सकते हैं जो जीते जी मरने का प्रयोग कर लेते हैं, उसके अतिरिक्त कोई जानने का उपाय नहीं। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। मौत में होता क्या है? प्राणों की सारी ऊर्जा जो बाहर फैली हुई है, विस्तीर्ण है, वो वापस सिकुड़ती है, अपने केंद्र पर पहुंचती है। जो ऊर्जा प्राणों की सारे शरीर के कोने कोने तक फैली हुई है वो सारी ऊर्जा वापस सिकुड़ती है, बीज में वापस लौटती है। शरीर जैसे एक दिए को हम मंदा करते जाएं, धीमा करते जाएं, तो फैला हुआ प्रकाश सिकुड़ाएगा, अंधकार गिरने लगेगा, प्रकाश सिकुड़ के फिर दिए के पास आ जाएगा। हम और धीमा करते जाएं और धीमा, और फिर प्रकाश बीज रूप में अनुरूप में निहित हो जाएगा, अंधकार घेर लेगा। प्राणों की जो ऊर्जा फैली हुई है जीवन की, वो सिकुड़ती है, वापिस लौटती है अपने केंद्र पर, नई यात्रा के लिए फिर बीज बनती है, फिर अणु बनती है। ये जो सिकुड़ाव है, इसी सिकुड़ाव से, इसी संकोच से पता चलता है कि मरा मैं मरा, क्योंकि जिससे मैं जीवन समझता था वो जा रहा है, सब छूट रहा है, हाथ पैर शिथिल होने लगे, श्वास खोने लगी,
आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, ये तो सारी इंद्रियां, ये सारा शरीर किसी ऊर्जा के साथ संयुक्त होने के कारण जीवंत था, वो ऊर्जा वापस लौटने लगी। देह तो मुर्दा है, वो फिर मुर्दा रह गई। घर का मालिक घर छोड़ने की तैयारी करने लगा, घर उदास हो गया, निर्जन हो गया, लगता है मरा मैं। मृत्यु के इस क्षण में पता चलता है कि जा रहा हूं, डूब रहा हूं, समाप्त हो रहा हूं, और इस घबराहट के कारण कि मैं मर रहा हूं, इस चिंता और उदासी के कारण, इस पीड़ा, इस एंग्विश के कारण, ये एंजाइटी कि मैं मर रहा हूं, समाप्त हो रहा हूं, ये इतनी ज्यादा चिंता पैदा कर देती है मन में कि वो उस मृत्यु के अनुभव को भी जानने से वंचित रह जाता है। जानने के लिए चाहिए शांति, हो जाता है इतना अशांत कि मृत्यु को जान नहीं पाता। बहुत बार हम मर चुके हैं, अनंत बार, लेकिन हम अभी तक मृत्यु को जान नहीं पाए, क्योंकि हर बार जब मरने की घड़ी आई है तब फिर हम इतने विवल और बेचैन और परेशान हो गए हैं कि तो उस बेचैनी और परेशानी में कैसा जानना, कैसा ज्ञान। हर बार मौत आके गुजर गई है हमारे आसपास से, हम फिर भी अपरिचित रह गए हैं उससे। नहीं, मरने के क्षण में नहीं जाना जा सकता है मौत को, लेकिन आयोजित मौत हो सकती है। आयोजित मौत को ही ध्यान कहते हैं, योग कहते हैं, समाधि कहते हैं। समाधि का एक ही अर्थ है कि जो घटना मृत्यु में अपने आप घटती है, समाधि में साधक चेष्टा और प्रयास से सारे जीवन की ऊर्जा को सिकोड़ के भीतर ले जाता है, जानते हुए। निश्चित ही अशांत होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो प्रयोग कर रहा है भीतर ले जाने की चेतना को सिकोड़ने की। वो शांत मन से चेतना को भीतर सिकोड़ता है। जो मौत करती है उसे वो खुद करता है, और इस शांति में वो जान पाता है कि जीवन ऊर्जा अलग बात है, शरीर अलग बात है, वो जो बल्ब जिससे बिजली प्रकट हो रही है अलग बात है, और वो जो बिजली प्रकट हो रही है वो अलग बात है। बिजली सिकुड़ जाती है, बल्ब निर्जीव होकर पड़ा रह जाता है, शरीर बल्ब से ज्यादा नहीं है। जीवन वो विद्युत है, वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो प्राण जो शरीर को जीवंत किए हुए है, गर्म किए हुए है, उत्तप्त किए हुए है। समाधि में साधक मरता है स्वयं, और चूंकि वो स्वयं मृत्यु में प्रवेश करता है, वो जान लेता है इस सत्य को कि मैं हूं अलग, शरीर है अलग। और एक बार ये पता चल जाए कि मैं हूं अलग, मृत्यु समाप्त हो गई। और एक बार ये पता चल जाए कि मैं हूं अलग, और जीवन का अनुभव शुरू हो गया। मृत्यु की समाप्ति और जीवन का अनुभव एक ही सीमा पर होते हैं, एक ही साथ होते हैं। जीवन को जाना कि मृत्यु गई, मृत्यु को जाना कि जीवन हुआ। अगर ठीक से समझें तो ये एक ही चीज को कहने के दो ढंग हैं, ये एक ही दिशा में इंगित करने वाले दो इशारे हैं। धर्म को इसलिए मैं कहता हूं धर्म है मृत्यु की कला, वो है आर्ट ऑफ डेथ। लेकिन आप कहेंगे कई बार मैं कहता हूं धर्म है जीवन की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। निश्चित ही दोनों बात मैं कहता हूं, क्योंकि जो मरना जान लेता है वही जीवन को जान पाता है। धर्म है जीवन और मृत्यु की कला। अगर जानना है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, तो आपको स्वेच्छा से शरीर से ऊर्जा को खींचने की कला सीखनी होगी, तो आप जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। और ये ऊर्जा खींची जा सकती है, इस ऊर्जा को खींचना कठिन नहीं है, इस ऊर्जा को खींचना सरल है। ये ऊर्जा संकल्प से ही फैलती है और संकल्प से ही वापस लौट आती है। ये ऊर्जा सिर्फ संकल्प का विस्तार है, विल फोर्स का विस्तार है। संकल्प हम करें तीव्रता से, टोटल, समग्र,
कि मैं वापस लौटता हूं अपने भीतर। सिर्फ आधा घंटा भी कोई इस बात का संकल्प करे कि मैं वापस लौटना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं, मैं डूबना चाहता हूं अपने भीतर, मैं अपनी सारी ऊर्जा को सिकोड़ लेना चाहता हूं। और थोड़े ही दिनों में वो इस अनुभव के करीब पहुंचने लगेगा कि ऊर्जा सिकुड़ने लगी भीतर, शरीर छूट जाएगा बाहर पड़ा हुआ। एक 3 महीने थोड़ा गहरा प्रयोग और आप शरीर अलग पड़ा है इसे देख सकते हैं, अपना ही शरीर अलग पड़ा है इसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो भीतर से दिखाई पड़ेगा कि मैं अलग खड़ा हूं भीतर, एक तेजस, एक ज्योति, और सारा शरीर भीतर से दिखाई पड़ रहा है जैसा ये भवन। और फिर थोड़ी और हिम्मत जुटाई जाए तो वो जो जीवंत ज्योति भीतर है उसे बाहर भी लाया जा सकता है, और हम बाहर से देख सकते हैं कि शरीर पड़ा है वो। एक अद्भुत अनुभव मुझे हुआ, वो मैं कहूं, अब तक उसे कभी कहा नहीं, अचानक ख्याल आ गया तो कहता हूं। कोई 12 साल पहले 13 साल पहले बहुत रातों तक एक वृक्ष के ऊपर बैठकर ध्यान करता था। ऐसा बार बार अनुभव हुआ कि जमीन पर बैठकर ध्यान करने पर शरीर बहुत प्रबल होता है, शरीर बनता है पृथ्वी से, और पृथ्वी पर बैठकर ध्यान करने से शरीर की शक्ति बहुत प्रबल होती है। वो जो हाइट्स पर, पहाड़ों पर और हिमालय पर जाने वाले योगी की चर्चा है वो अकारण नहीं है, बहुत वैज्ञानिक है। जितनी पृथ्वी से दूरी बढ़ती है शरीर की, उतने ही शरीर तत्व का प्रभाव भीतर कम होता चला जाता है। तो एक बड़े वृक्ष पर ऊपर बैठकर मैं ध्यान करता था रोज रात। एक दिन ध्यान में कब कितना लीन हो गया मुझे पता नहीं, और कब शरीर वृक्ष से गिर गया वो मुझे पता नहीं। जब नीचे गिर पड़ा शरीर, तब मैंने चौंक कर देखा कि ये क्या हो गया, मैं तो वृक्ष पर ही था और शरीर नीचे गिर गया। कैसा हुआ अनुभव कहना बहुत मुश्किल है, मैं तो वृक्ष पर ही बैठा था और शरीर नीचे गिरा था और मुझे दिखाई पड़ रहा था कि वो नीचे गिर गया। सिर्फ एक रजत रज्जू, एक सिल्वर कार्ड नाभि से और मस्तक जुड़ी हुई थी, एक अत्यंत चमकदार शुभ्र रेखा। कुछ भी समझ के बाहर था कि अब क्या होगा, कैसे वापस लौटूंगा। कितनी देर यह अवस्था रही वो भी पता नहीं, लेकिन अपूर्व अनुभव हुआ। शरीर के बाहर से पहली दफा देखा शरीर को, और शरीर उसी दिन से समाप्त हो गए, मौत उसी दिन से खत्म हो गई, क्योंकि एक और देह दिखाई पड़ी जो शरीर से भिन्न है, एक और सूक्ष्म शरीर का अनुभव हुआ। कितनी देर ये रहा कहना मुश्किल है। सुबह होते होते एक 2 औरतें वहां से निकली दूध लेकर किसी गांव से, और उन्होंने आके पड़ा हुआ शरीर देखा, वो मैं देख रहा हूं ऊपर से कि वो करीब आके बैठ गई है, कोई मर गया, और उन्होंने सिर पर हाथ रखा, और एक क्षण में जिसे तीव्र आकर्षण से मैं वापस अपने शरीर में आ गया और आंख खुल गई। तब एक दूसरा अनुभव भी हुआ, वो दूसरा अनुभव यह हुआ कि स्त्री पुरुष के शरीर में एक कीमिया और केमिकल चेंज पैदा कर सकती, और पुरुष स्त्री के शरीर में एक केमिकल चेंज पैदा कर सकता। ये भी ख्याल हुआ कि उस स्त्री का छूना और मेरा वापस लौट आना, ये कैसे हो गया।
फिर तो बहुत अनुभव हुए इस बात के, और तब मुझे समझ में आया कि हिंदुस्तान में जिन तांत्रिकों ने समाधि पर और मृत्यु पर सर्वाधिक प्रयोग किए थे, उन्होंने क्यों स्त्रियों को भी अपने साथ बांध लिया था। क्योंकि गहरी समाधि के प्रयोग में अगर शरीर के बाहर तेजस शरीर चला गया है, सूक्ष्म शरीर चला गया है, तो बिना स्त्री के सहायता के पुरुष के तेजस शरीर को वापस नहीं लौटाया जा सकता। या स्त्री का तेजस शरीर अगर बाहर चला गया तो बिना पुरुष की सहायता के उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। स्त्री और पुरुष के शरीर के मिलते ही एक विद्युत वृत्त, एक इलेक्ट्रिक सर्किल पूरा हो जाता है, और वो जो बाहर निकल गई है चेतना तीव्रता से भीतर वापस लौट आती है। फिर तो 6 महीने में कोई 6 बार वो अनुभव हुआ निरंतर, और 6 महीने मुझे अनुभव हुआ कि मेरी उम्र कम से कम 10 वर्ष कम हो गई। कम हो गई मतलब 10 वर्ष, अगर मैं 70 साल जीता तो अब 60 साल जी सकूंगा। 6 महीने में एक अजीब अजीब से अनुभव हुए, छाती के सारे बाल मेरे सफेद हो गए 6 महीने के भीतर। मेरी समझ के बाहर हुआ कि ये क्या हो रहा है, और तब ये भी ख्याल आया कि इस शरीर और उस शरीर के बीच के संबंध में व्याघात पड़ गया है, उन दोनों का जो तालमेल था वो टूट गया है। और तब मुझे ये भी समझ में आया कि शंकराचार्य का 33 साल की उम्र में मर जाना या विवेकानंद का 36 साल की उम्र में मर जाना कुछ और ही कारण रखता है। अगर ये दोनों के संबंध बहुत तीव्रता से टूट जाएं तो जीना मुश्किल। और तब मुझे ये भी ख्याल में आया कि रामकृष्ण का बहुत बीमारियों से घिरे रहना और रमन का कैंसर से मर जाने का भी कारण शारीरिक नहीं है, उस बीच के तालमेल का टूट जाना ही कारण। लोग आमतौर से कहते हैं कि योगी बहुत स्वस्थ होते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। सच्चाई आज तक यह है कि योगी हमेशा रुग्ण रहा है और कम उम्र में मरता रहा है, और उसका कुल कारण इतना है कि उन दोनों शरीर के बीच जो एडजस्टमेंट चाहिए, जो तालमेल चाहिए, उसमें विघ्न पड़ जाता है। जैसे ही एक बार वो शरीर बाहर हुआ, फिर ठीक से पूरी तरह कभी भी पूरी अवस्था में भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन उसकी कोई जरूरत भी नहीं रह जाती, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं रह जाता, उसका कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। संकल्प से खींची जा सकती है ऊर्जा भीतर, सिर्फ संकल्प से, सिर्फ ये धारणा, सिर्फ ये भावना कि मैं अंदर वापिस लौट आऊं, वापिस लौट आऊं, वापिस लौट आऊं, इसकी तीव्र पुकार, इसका तीव्र आंदोलन, पूरे प्राण इससे भर जाएं कि मैं भीतर वापिस लौट आऊं, मैं केंद्र पर वापिस लौट आऊं, मैं वापिस लौट आऊं, मैं वापिस लौट आऊं, इसकी इतनी तीव्र पुकार कि ये सारे कणकण में शरीर के गूंज जाए, श्वास श्वास को पकड़ ले, और किसी भी दिन ये घटना घट जाती कि एक झटके के साथ आप भीतर पहुंच जाते और पहली दफा फ्रॉम विद इन शरीर को देखते। ये जो हजारों नाड़ियों की बात की है योग ने, वो फिजियोलॉजी को जानकर नहीं की है, शरीर शास्त्र उसका कोई संबंध नहीं, वे नाड़ियां जानी गई हैं भीतर से। और इसलिए आज जब फिजियोलॉजी उनका विचार करती तो पाती ये नाड़ी कहां है, ये जो 7 चक्र बताए हैं ये कहां है, वे कहीं भी नहीं है शरीर में, शरीर में वे कहीं भी नहीं है, क्योंकि शरीर को हम बाहर से जांच रहे हैं, वे कहीं नहीं मिलेंगे। एक और जांच है शरीर को भीतर से जानना, इनर फिजियोलॉजी, वो बहुत सटल फिजियोलॉजी है, वो बहुत सूक्ष्म शरीर शास्त्र है। वहां से जानने पर जो नाड़ियां जानी गई और जो केंद्र जाने गए वो बिल्कुल अलग है, इस शरीर में खोजने से वो कहीं भी नहीं मिलेंगे। वे केंद्र इस शरीर और उस भीतर की आत्मा के कॉन्टेक्ट फील्ड से, जहां ये दोनों मिलते, सबसे बड़ा कॉन्टेक्ट फील्ड, सबसे बड़ा संपर्क का स्थल नाभि है। इसलिए आपको ख्याल होगा कि अगर आप कार चला रहे हैं और एकदम से एक्सीडेंट होने लगे तो सबसे पहले नाभि प्रभावित हो जाएगी, एकदम नाभि अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा गहरा उस आत्मा और इस शरीर के बीच संबंध का क्षेत्र है।
वो सबसे पहले अस्त व्यस्त हो जाएगा मौत को देखकर। जैसे ही मौत सामने दिखाई पड़ेगी नाड़ी अस्त व्यस्त हो जाएगी। नाभि अस्त व्यस्त हो जाएगी। सारे शरीर के केंद्र हैं और शरीर की एक आंतरिक व्यवस्था है जो उस अंतः शरीर और इस शरीर के बीच संपर्क से स्थापित हुई है। जिन चक्रों की बात है वे उनके संपर्क स्थल हैं। निश्चित ही एक बार भीतर से शरीर को जानना एक बिल्कुल ही दूसरी दुनिया को जान लेना जिसका हमें कोई भी पता नहीं, जिसे मेडिकल साइंस जिसके संबंध में एक शब्द भी नहीं जानती और नहीं जान सकेगी अभी। एक बार यह अनुभव हो जाए कि मैं अलग और ये शरीर अलग, मौत खत्म हो गई, मृत्यु नहीं है फिर। और फिर तो शरीर के बाहर आके खड़े होकर देखा जा सकता है। तो ये कोई फिलसफिक विचार नहीं है, ये कोई दार्शनिक तात्विक चिंतन नहीं है कि मृत्यु क्या है जीवन क्या है। जो लोग इस पर विचार करते हैं वो दो कौड़ी का भी फल कभी नहीं निकाल पाते। ये तो है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच, ये तो है अस्तित्ववादी खोज। जाना जा सकता है कि मैं जीवन हूं, जाना जा सकता है कि मृत्यु मेरी नहीं है, इसे जिया जा सकता है, इसके भीतर प्रविष्ट हुआ जा सकता है। लेकिन जो लोग केवल सोचते हैं कि हम विचार करेंगे कि मृत्यु क्या है जीवन क्या है, वो लाख विचार करें जन्म जन्म विचार करें उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सकता है, कुछ भी पता नहीं चल सकता है। क्योंकि हम विचार करके विचार करेंगे क्या? विचार किया जा सकता है उसके संबंध में जिसे हम जानते हो, जो नोन है, जो ज्ञात है उसके बाबत विचार हो सकता है, जो अननोन है अज्ञात है उसके बाबत कोई विचार नहीं हो सकता। आप वही सोच सकते हैं जो आप जानते हैं। कभी आपने ख्याल किया आप उसे नहीं सोच सकते जिसे आप नहीं जानते, उसे सोचेंगे कैसे? हाउ टू कंसीव इट, उसकी कल्पना ही कैसे हो सकती, उसकी धारणा कैसी हो सकती जिसे हम जानते ही नहीं है। जीवन हम जानते नहीं, मृत्यु हम जानते नहीं, सोचेंगे हम क्या? इसलिए दुनिया में मृत्यु और जीवन पर दार्शनिकों ने जो कहा है उसका दो कौड़ी भी मूल्य नहीं है। फिलोसफी की किताबों में जो भी लिखा है मृत्यु और जीवन के संबंध में उसका कौड़ी भर मूल्य नहीं है, क्योंकि वो लोग सोच सोच के लिख रहे हैं, सोच के लिखने का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ योग ने जो कहा है जीवन और मृत्यु के संबंध में उसके अतिरिक्त आज तक सिर्फ शब्दों का खेल हुआ है। क्योंकि योग जो कह रहा है वो एक एग्जिस्टेंशियल, एक लिविंग, एक जीवंत अनुभव की बात है। आत्मा अमर है ये कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये कुछ लोगों का अनुभव है। और अनुभव की तरफ जाना हो तो ही अनुभव हल कर सकता है इस समस्या को कि क्या है जीवन क्या है मौत। और जैसे ही अनुभव होगा ज्ञात होगा जीवन है मौत नहीं, जीवन ही है मृत्यु है ही नहीं, फिर हम कहेंगे लेकिन ये मृत्यु तो घट जाती है। उसका कुल मतलब इतना है कि जिस घर में हम निवास करते थे उस घर को छोड़कर दूसरे घर की यात्रा शुरू हो जाती है। जिस घर में हम रहे थे उस घर से हम दूसरे घर की तरफ यात्रा करते हैं। घर की सीमा है, घर की सामर्थ्य, घर एक यंत्र है, यंत्र थक जाता है, जीर्ण हो जाता है और हमें पार हो जाना होता है। अगर विज्ञान ने व्यवस्था कर ली तो आदमी के शरीर को 100, 200, 300 वर्ष भी जिलाया जा सकता है, लेकिन उससे यह सिद्ध नहीं होगा कि आत्मा नहीं है। उससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होगा कि आत्मा को कल तक घर बदलने पड़ते थे, विज्ञान ने पुराने ही घर को फिर से ठीक कर देने की व्यवस्था कर दी। उससे यह सिद्ध नहीं होगा, इस भूल में कोई वैज्ञानिक ना रहे कि हम आदमी की उम्र अगर 500 वर्ष कर लेंगे, 1000 वर्ष कर लेंगे तो हमने सिद्ध कर दिया कि आदमी के भीतर कोई आत्मा नहीं। नहीं, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। इससे इतना ही सिद्ध होता है कि मैकेनिज्म जो शरीर का था उसे हम आत्मा को इसलिए बदलना पड़ता था कि वो जरा जीर्ण हो गया था।
अगर उसको रिप्लेस किया जा सकता है, हृदय बदला जा सकता है, आंख बदली जा सकती है, हाथ पैर बदले जा सकते हैं, तो आत्मा को शरीर बदलने की जरूरत ना रही, पुराने घर से काम चल जाएगा, रिपेयरमेंट हो गया है। उससे कोई आत्मा नहीं है, ये दूर से भी सिद्ध नहीं होता, और ये भी हो सकता है कल कि विज्ञान टेस्ट ट्यूब में जन्म को, जीवन को पैदा कर सके, और तब शायद वैज्ञानिक इस भ्रम में पड़ेगा कि हमने जीवन को जन्म दे लिया। वो भी गलत है, वो भी मैं कह देना चाहता हूं, उससे भी कुछ सिद्ध नहीं होता। मां और बाप मिलके क्या करते हैं मां के पेट में, एक पुरुष और एक स्त्री मिलके क्या करते हैं स्त्री के पेट में, आत्मा को जन्म नहीं देते, दे जस्ट क्रिएट ए सिचुएशन, वे सिर्फ एक अवसर पैदा करते हैं जिसमें आत्मा प्रविष्ट हो सकती है। मां का और पिता का अणु मिलकर एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर पैदा करते हैं, एक सिचुएशन जिसमें कि आत्मा प्रवेश पा सकती। कल ये हो सकता है कि हम टेस्ट ट्यूब में ये सिचुएशन पैदा कर दें, इससे कोई आत्मा पैदा नहीं हो रही। मां का पेट भी तो एक टेस्ट ट्यूब है, एक यांत्रिक व्यवस्था है, वो प्राकृतिक है। कल विज्ञान ये कर सकता है कि प्रयोगशाला में जिन जिन रासायनिक तत्वों से पुरुष का वीर्याणु बनता है और स्त्री का अणु बनता है, उन उन रासायनिक तत्वों की पूरी खोज और प्रोटोप्लाज्म की पूरी जानकारी से यह हो सकता है कि हम टेस्ट ट्यूब में रासायनिक व्यवस्था कर ले। तब जो आत्माएं कल तक मां के पेट में प्रविष्ट होती थी, वे टेस्ट ट्यूब में प्रविष्ट हो जाएंगी, लेकिन आत्मा पैदा नहीं हो रही, आत्मा अब भी आ रही है। जन्म की घटना दोहरी घटना है, शरीर की तैयारी और आत्मा का आगमन, आत्मा का उतरना।